जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको 2788 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको ओपन करने के बाद आप भर्ती की एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जान सकते हो कि ये भर्ती आपकी 2788 पद पर निकाली है, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। फीस यहां पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से ₹100 ली जाएगी। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और ऑल कैटेगरी फीमेल से कोई फीस नहीं ली जाएगी। आप लोग ये फॉर्म 28 फरवरी 2022 तक भर पाएंगे। अब आपको यहां पर पूरी की पूरी जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको डायरेक्टली लॉगिन तब करना है जब आपने पहले कभी भी BSF की वेबसाइट पर किसी भी फॉर्म को भरा है, तो आपके पास ईमेल आईडी एंड पासवर्ड होगा, तो वो आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार यहां पर भरना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहां पर डाल दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाएगा, तो आपका रियल नंबर होना चाहिए। और इसके बाद यहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद आपको यहां पर नीचे जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पर डाल करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपके सामने यहां पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसके नीचे आप देखेंगे आइडेंटिटी डिटेल्स, तो आपको यहां पर क्या करना है, आइडेंटिटी टाइप के ऊपर क्लिक करना है और इनमें से कोई एक आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया है उसका नंबर यहां पर आपको एंटर करना है। और ये एंटर करने के बाद नीचे यहां पर आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका ईयर है, पहले आपको यहां पर आपका ईयर सिलेक्ट करना है और इसके बाद में यहां पर मंथ और फिर इसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर दोस्तों यहां पर आता है नेशनलिटी, जो कि इंडियन रहेगी। फादर नेम आपको यहां पर 10th की मार्कशीट के अनुसार ही एंटर करना है। फिर आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपके शरीर पर वो निशान जो कि परमानेंट हो, तो जो भी निशान है वो आपको यहां पर लिख देना है। अगर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क आपकी बॉडी के ऊपर नहीं है तो आप यहां पर नो मार्क लिख सकते हैं। जेंडर आपका क्या, वो आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस बताइए जो भी आपका है, मैं यहां पर अनमैरिड सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर आती है कैटेगरी रिजर्वेशन, तो आपका जो भी रिलीजन है वो रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगर आप यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने आएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर से, सॉरी क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से हो। अगर हाँ तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो करना है। और ये आप नॉन क्रीमी लेयर से हो या नहीं हो ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मैंसन होगा, आपको सर्टिफिकेट चेक करना है। इसके बाद आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप के अपकमिंग एंड ऑनगोइंग कोर्सेज के बारे में, जिनको ज्वाइन करके आप लोग किसी भी डिफेंस कैटेगरी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये कोर्सेज ज्वाइन करने से पहले आप लोग जान लीजिए कि जिन्होंने बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप के कोर्सेज को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन की है उनका कितना अच्छा फायदा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे CAPF काफी लोगों ने क्लियर किया है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1000+ स्टूडेंट ने जो आपका FCAT 2021 हुआ था उसको क्लियर किया है। और साथ ही आप लोग यहां पर यह भी जानेंगे कि 750+ स्टूडेंट ने CDS 2021 क्लियर किया है, जिन्होंने यहां से प्रिपरेशन की थी। तो ये सभी जानकारी आप देख सकते हैं। अब आपको यहां पर जानने को मिलेंगे कोर्सेज के बारे में, जैसे कि CDS 1st 2022 जो कि आपका 6 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। FCAT 1st 2022 ये आपका 8 जनवरी से स्टार्ट होगा। बेनिफिट्स आप यहां पर देख सकते हैं। CAPF 2022 आपका 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके बेनिफिट्स ये सब आपको मिलने वाले हैं। यहां पर आपको बेसिकली हर तरह से हेल्प की जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप इनका कोर्स ले सकते हैं किसी भी मंथ का, यानी कि कितने भी मंथ का। और अगर आप मेरा कोड NEW10 इस्तेमाल करते हो तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो वेट किस बात का है, जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है,
उनको ओपन करके ज्वाइन कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आती है अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा किया गया ये सभी पोस्ट आपका सर्टिफिकेट इशू करती है, तो इनमें से किस पोस्ट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों किस डेट में आपने ये सर्टिफिकेट इशू कराया है वो आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी होगी। नीचे है सब कैटेगरी रिजर्वेशन, तो यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्या विकलांग है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या भूतपूर्व सैनिक है यानी कि एक सर्विसमैन, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, अगर हां तो यस कीजिएगा, यानी कि आपको बताना कि कौन सी स्टेट के कौन से गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है आप, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। फिर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर आपकी आईडी के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। पिन कोड क्या है वो पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है। स्टेट आपको यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है, आपके विलेज सिटी का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा आपका पुलिस स्टेशन, तो जो भी आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर नीचे टिक कर दीजिए, और फिर नीचे आपको यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने अदर डिटेल आ जाएगी, जिसमें कि आपसे सवाल पूछे कि क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको यहां पर आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर बतानी है कि कितनी सेंटीमीटर है। चेस्ट आपको बतानी है आपकी जितनी भी सेंटीमीटर की चेस्ट है, और ये आपको बिना फ्लाई यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद आपका वेट कितना है वो आपको यहाँ पर केजी में लिखना है। ब्लैक लिस्ट या फिर डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, कोई मुकदमा है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। देन आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, तो आपको क्वालिफिकेशन टाइप में यहाँ पर SSC ये सिलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट नंबर आपका टेंथ का क्या हो यहाँ पर डालना है, अगर आपकी टेंथ की मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप टेंथ का रोल नंबर भी यहां पर दे सकते हैं। कौन से साल के अंदर आपने पास किया वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है। आपकी स्टेट कौन सी है वो स्टेट यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहां पर दोस्तों किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी जो दसवीं है वो पास की है, तो चलिए मैं यहां से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आपको यहां पर ये जानकारी भरने के बाद में नीचे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी यहां पर सेव हो जाएगी, और इसके बाद अगर आपने 12वीं की है तो सेम वे में आप यहां पर 12वीं की जानकारी भी भर सकते हैं। जैसे कि आपने यहां पर अपनी क्वालिफिकेशन 12वीं सिलेक्ट की, फिर आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने पास की है, आपकी स्टेट सिलेक्ट करनी है जिस स्टेट से आपने आपकी 12वीं की है, आपके बोर्ड कौन सा था वो बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। फिर ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए, ये जानकारी भी आपकी यहां पर ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार से आप अपनी अन्य क्वालिफिकेशन भी दे सकते जो कि आपने की हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आता है वर्क एक्सपीरियंस, तो यहां पर अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। और दोस्तों मैं आपको यहां पर एक बार क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर लेकर के जाना चाहूंगा। आप यहां पर देखेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर ये वाली क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई नहीं कर रहे तो आपसे मांगा है 1 ईयर कोर्स प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड, जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे इसमें भी एक्सपीरियंस कंपलसरी है। तीसरा ऑप्शन यह है कि आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा हो या फिर ITI हो रिलेटेड ट्रेड के अंदर। तो मैं यहां पर 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर यस करता हूं और एक्सपीरियंस की जानकारी भरता हूं। एक्सपीरियंस की जानकारी आप कैसे भरेंगे आप जान लीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप अभी काम कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो यहां से मैं पास्ट सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मैंने काम किया था। एक्सपीरियंस टाइप, तो किस तरह का आपके पास एक्सपीरियंस है आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। आपको यहां पर सभी कैटेगरी दी गई है, तो जिस भी टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है वो यहां पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयर टाइप, किस तरह की आपका एम्प्लॉयर टाइप था आप यहां पर चेक कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट, तो जिस भी तरह का था वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। रोजगार यानी कि आपकी रोजगार की प्रकृति किस तरह की थी, परमानेंट, टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल, तो यहां से हम ये सिलेक्ट करते हैं। किस डेट से आपने वो जॉब ज्वाइन की थी वो डेट, मंथ, ईयर आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको टू डेट के अंदर वो डेट सिलेक्ट करनी है जब तक आपने काम किया था। नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट पर आपने काम किया था वो आपको यहां पर लिख देनी है। इसके बाद कौन से डिपार्टमेंट या फिर किस संस्था के अंदर आपने काम किया था, जहां पर भी किया था उस ऑफिस का नाम यहां पर लिख दीजिए। ये लिखने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक
करना है, सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी यहाँ पर नीचे सेव हो जाएगी। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको आपका फोटो अपलोड करना है। तो आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं आपको एक फोटो यहाँ पर लाइव अपलोड करके दिखाता हूँ। आपको आपकी फाइल पर जाना है, फाइल सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड होकर के आ जाएगी। सेम वे में आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपने सिग्नेचर स्कैन करके रखा है वो फाइल सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको SSC यानी कि 10th की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी अपलोड करनी है। फिर आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, अगर आपने 12वीं की जानकारी दी है क्वालिफिकेशन सेक्शन के अंदर। इसके बाद अगर आपने SC ST OBC या EWSS फॉर्म को भरा है या फिर भर रहे हैं तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। इसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट कितने साइज के अंदर अपलोड होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है और किस फॉर्मेट में होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। देन आपको यहाँ पर जैसे ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने गाइडलाइन आएगी, आपको यहाँ पर इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरह के इंटरफेस पर आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि कौन से ट्रेड के लिए। देन यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, SSC मैट्रिक यानी कि 10वीं। फिर आता है एक्सपीरियंस। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने तीन विकल्प है, यानी कि आपको तीन विकल्प दिए इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। तो इनमें से जिस क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी में आपको यस करना है, अन्य को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। मान लीजिए अगर आप 2 साल के एक्सपीरियंस के माध्यम से अप्लाई करें तो पहले वाले में यस करेंगे, अगर आप ITI सर्टिफिकेट के माध्यम से अप्लाई करें तो सेकंड वाले में यस करेंगे, और अगर आप 2 ईयर डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं सिमिलर ट्रेड में तो आपको तीसरे वाले में यस करना है, नहीं तो आपको इनको ऐसे ही छोड़ देना है। फिजिकल स्टैंडर्ड की आपको जानकारी दी गई है, बट उसके पहले यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते जो कि यहाँ पर दिए, जैसे कि ST आदिवासी ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज इंक्लूडिंग नागाज एंड मिजोस, तो आपको पहले वाले पर टिक करना है। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते जो कि यहाँ पर आपको दी गई है तो आपको सेकंड वाले पर टिक करना है, बट अगर आप इनके अलावा अन्य स्टेट या यूनियन टेरेटरीज से बिलोंग करते हैं तो आपको तीसरे ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी हाइट दी गई है, आपका वेट और आपका जो आपका चेस्ट है वो, तो आपको इन जानकारी को वेरीफाई करना है। और नीचे आता है अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तीसरा आपको आपका डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको पैलेस में उस जगह का नाम देना है जहाँ से आप लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम सेंटर प्रीफ्रेंस, तो आप यहाँ पर इनमें से किस जगह को प्रीफ्रेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कोई एक प्रीफ्रेंस यहाँ पर आप दे सकते हैं। ये देने के बाद आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको अग्री एंड पे के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इस फॉर्म को उस कैटेगरी से भर रहे हैं जिसमें कि फीस मांगी है तो आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। जैसे ही फीस जमा होगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको प्रिंट के सामने यहाँ पर प्रिंट के आइकन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पर अभी PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप लोग इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म प्रोसेस पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।